हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मेरा चैनल इलेक्ट्रिकल बासु में आपको स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम दिखाएंगे जो मीडियम प्रेशर टेबल फैन होता है उसका कॉइल को कैसे बाइंडिंग किया जाता है। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को आप न्यू विजिट कर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी ऑल पे दबा देना। तो इस टाइप का वीडियो मैं चैनल पे रोज डालता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सब्सक्राइब करने से ये फायदा होता है, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलता है वीडियो का। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये ओरिएंट टाइप मॉडल वाला ये स्टैग है, मतलब जो पांच पैसा वाला, जो पांच पैसे का जो पीट होता है ना, ऐसा पीट इस टैग में है। ठीक है, तो बाइंडिंग करने से ऐसा कोर आपको बाइंडिंग करना है तो आपको सबसे पहले आपको दो चीज देखना है। एक तो आपको देखना है जो उसका स्टैक कितना इंच है। तो मैं देख रहा हूँ उसका स्टैक वन इंच। और दूसरा आपको देखना है जो उसका जो गोलाई होता है वो गोलाई कितना है। वही चीज, दो चीज हमको देखना है, वही से हम उसको जो उसके ऊपर थियरी हम डालेंगे। ठीक है, जितना गोलाई होगा, जितना स्टैक होगा इंच का, तो उसके ऊपर हम उसको थियोरी डालेंगे। जितना टांस होगा इसके ऊपर निर्भर करते हैं। तो ये 2 इंच का है, 2 इंच देख पा रहे हो, और ये 1 इंच का है स्टैक, 1 इंच गोलाई, 2 इंच। और आपको कुछ भी नहीं देखना है। बहुत सारा बात करते हैं, ये देखो उसका वो राउंड देखो, उसको कोई देखना नहीं। एक आप स्टैक देखो, दूसरा आप उसका गोलाई देखो, और कुछ नहीं। तो सबसे पहले उसका अंदर में आपको पेपर डालना है, उसके बाद आपको कॉइल डालना है। तो जो प्लास्टिक होता है, बहुत सारा उसका नाम है, इसको किसी को थीम कहते हैं, प्लास्टिक है, पेपर है, जो भी कोई हो नाम, तो वही हम डालेंगे। 7 नंबर का थीम है। ठीक है, ये 7 नंबर का। तो ये ऐसा लंबा लंबा से ऐसा आता है, उसको काटना पड़ता है। तो सपोज मान लो एक स्टैक 1 इंच का है, तो आपको ये पेपर आपको थोड़ा सा लंबा ज्यादा काटना है। ठीक है, चौड़ा ज्यादा काटना है। एक 1 इंच का है तो उसको थोड़ा सा ज्यादा काटना है, नहीं तो उस नहीं होगा। तो हम एक लंबा टुकड़ा उसको काट लिया है, देखो ये लंबा टुकड़ा काट लिया है मैंने। और दोस्तों, मैं और एक बात कहना भूल गया था, जो स्टैग है ना, इसको हम 1440 RPM में इसको बाइंडिंग करेंगे, मतलब 220 वोल्ट 1440 RPM। ठीक है, 1440 RPM मतलब वो मीडियम प्रेशर वाला फैन है। वो जो 1880 वाला RPM वाला फैन होगा, उसका वो हाई स्पीड वाला फैन होता है। ठीक है, तो उसको मीडियम प्रेशर में बाइंडिंग करेंगे 1440 RPM में और 220 वोल्ट में। ठीक है, तो पेपर को आपको ऐसा लंबा पेपर आपको काटना है और ऐसा आपको भाँच कर लेना है ऐसा। ठीक है, और इसका एक काट देना है। वही जो पेपर हम काटेंगे उसको हम सोलो सोल्ट है। ठीक है, एक खांचा आप जो देख रहे हो ना, एक सोलो पीस खांचा है ऐसा। ठीक है, 16 फोल्ट है, उसपे हम गिन के भी दिखा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो दोस्तों, जो लंबा पेपर था मैंने उसको दो काट लिया, तो दो उसको एक पेपर को हम ऐसे ऐसे मैच करेंगे। देखो इससे आपको क्या होगा, बहुत जल्दी टाइम पे काम हो जाएगा। ऐसा हम मैच करेंगे, ऐसा हो गया तो हम काट देंगे ऐसा, ऐसा काट दिया हमने। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 पीस हो गया। तो आपका जो फास्ट आपको रनिंग कॉल डालना पड़ता है, ये 4 कॉल होता है, 4 कॉल के लिए 8 पीस पेपर चाहिए, 8 पीस पेपर हो गया। ये वाला है, ये वाला पे 8 पीस निकलेगा, मतलब आपका काम आसानी से होता है, बहुत टाइम नहीं लगता है। अब ऐसे ऐसे एक एक काटते हो तो आपको बहुत टाइम जाता है। ठीक है, वो एक पेपर को हम डालेंगे, देखेंगे जो उसका जो पेपर बाहर में आ रहा है वो ज्यादा आ रहा है कि थोड़ा आ रहा है। तो देखो ये ठीक से आ रहा है, ये आपको ज्यादा इधर से दिखेगा तो आपको थोड़ा सा उसको काट देना है। आपको उसे ऐसा रखना है जो उसको कॉइल या बॉडी पे ना लग जाए। ठीक है, ज्यादा रखेंगे तो कॉइल फोल्डिंग में प्रॉब्लम हो सकता है, और शॉर्ट करके देंगे तो आपको कॉइल बॉडी में लग सकता है। तो ऐसा रखो दो साइड में, कॉइल बॉडी पे नहीं घिस जाए, ऐसा आपको रखना है। और
और शेप आपको जैसा उस सब पेपर को एक ही तरह काट लेना है। तो दोस्तों रनिंग कॉइल का प्लास्टिक का काम हो गया कंप्लीट। तो उसके हम कॉइल बनाएंगे। तो कॉइल कैसे बनाएंगे, कॉइल बनाने के आपको डाइस की जरूरत है। तो डाइस आपको कोई लकड़ी में बना सकते हैं, नहीं तो आप जो प्लाई होता है प्लाई में बना सकते हैं। तो उसका जो इंच कितना इंच है, इंच में बता देता हूँ। देखो दोस्तों ये 6 इंच हो रहा है, ठीक है। तो आप एक ही डाइस में रनिंग स्टार्टिंग एक ही डाइस में वो बाइंडिंग होगा, ठीक है। तो कॉइल बनाएंगे तो आपको 6 इंच का कोई डाइस बना लेना है। प्लाई में बना सकते हो, सन मेगा में बना सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद आप मशीन में उसको डालेंगे। तो दोस्तों ये हैंड मशीन है, आप हाथ में उसको घुमा सकते हैं। तो दोस्तों ये मशीन आप एक बार इस पर घुमाते हो तो ये इसका जो सामने तरफ ये 10 बार घूमता है, ठीक है। तो हम अगर एक बार घुमाएंगे तो ये 10 बार घूमेगा, ऐसे हम काउंटिंग करेंगे, उसको फिट कर देंगे उसको। तो फर्स्ट हम रनिंग कॉइल डालेंगे, उसके लिए आपको 4 कॉइल बनाना है। तो उसको बाइंडिंग करने में आपको 36 नंबर का ताज चाहिए, 36 नंबर, ठीक है। दोस्तों हम ऐसे उसको तार को ऐसे लगाएंगे और फिर 1440 वाला 40 RPM वाला कॉइल है तो 1 इंच टैग है, तो इसलिए हमको उसको 800 टर्न्स उसको देना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा 1 इंच का थोड़ा सा कम होगा होता तो हम उसको 750-700 दे देते, लेकिन उस पूरा 1 इंच ही हो रहा है तो इसलिए हम उसको 800 रनिंग में 800 डालेंगे और स्टार्टिंग में 750 डालेंगे, ठीक है। स्टैक जैसा होगा थियोरी ऐसा डिपेंड करेगा। तो आप उसको 750 डाल सकते हैं रनिंग में, लेकिन उस पर आपको कॉइल का स्पीड नहीं, स्पीड ठीक होगा फैन का, लेकिन उसका जो लास्टिंग होता है ना कॉइल का, तो लास्टिंग आपको थोड़ा सा कम जाएगा। तो कॉइल का टर्न्स के ऊपर ही फैन का लास्टिंग होता है, तो ऐसे आपको ट्रिक से थियोरी देना पड़ता है। तो इधर हमको 800 टर्न्स देना है तो उसको हम 80 बार घुमाएंगे, ठीक है, ऐसा 80 बार घुमाएंगे। तो दोस्तों ऐसे आपको और भी 3 कॉइल बना लेना है 800 टर्न्स के। तो बना लेता हूँ फटाफट। दोस्तों मैं 4 कॉइल बना लिया हूँ, तो उसके बाद हम कोर में उसको डालेंगे स्टैक के अंदर। तो अब देखिए कैसे उसको डालना होता है। सबसे पहले लीड को इधर कर दीजिएगा और उसको ऐसा ऐसा फोल्डिंग कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद डालिए, और आपको ऐसा दो जो स्लॉट होता है, 2 स्लॉट आपको खाली छोड़ना है। 2 स्लॉट के बाद में जो स्टैग है उस स्टैग के जो स्लॉट है उसको डालना है, 2 स्लॉट छाड़ना है, हर कॉइल पे 2 स्लॉट छाड़ना है, मतलब 2 स्लॉट आपको खाली रखना है, ठीक है। और ऐसा पीट वाला जगह पे पेपर नहीं लगाइए, जैसा जो ऐसा दिख रहा है ना ये वाला जगह पे आपको उसको छोड़िए और लगाइए, ऐसे आपको जो कॉइल फोल्डिंग होगा ना ये आसानी से फोल्डिंग होगा, ठीक है। ऐसा आप ऐसा जगह पे कॉइल रखेंगे तो कॉइल बाहर में आ सकता है, जो बॉडी क्रैश हो सकता है, तो ऐसा जगह पे लगाइए।
पेपर है, पेपर को जो हम ऐसा काट देंगे, उसको ऐसा मोड़ देंगे। फिर वही सेम ऐसा दो खाली रखेंगे, ठीक है, खाली छोड़ देंगे दो, तो फिर कॉइल डालेंगे। तो दोस्तों हमने चार कॉइल डाल दिया है, रनिंग कॉइल का काम हो गया कंप्लीट। फिर आपको स्टार्टिंग कॉइल और जो दो खाली है पार कॉइल का, दो खाली है पार कॉइल का बीच में जो दो खाली है वही से हम स्टार्टिंग कॉइल डालेंगे। तो उससे पहले हम उसको उसको टैपिंग लगा देंगे, उसको गार्ड लगा देंगे। तो दोस्तों कैसे गार्ड लगाते हैं और स्टार्टिंग कॉइल डालते हैं उसके बाद और कनेक्शन करते हैं, तो सब हम पार्ट टू पे दिखाएंगे, ठीक है। एक साथ दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ा लंबा हो जाएगी, तो इसलिए पार्ट टू में हम दिखाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं उसका पार्ट टू वीडियो लेके, तब तक के लिए धन्यवाद।